परमात्मा ने गुरुदेव माताओं मुनिगणों को प्रणाम पूर्वक विदा किया। कई कई अम्बा को प्रभु ने बहुत समझाया बनाई। भगवान की श्री चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर मंत्र विधि से पधराई गई। शत्रुघ्न जी महाराज की सेवा माताओं के प्रति संहार करने लगे। निर्लेप निर्द्वंद निश्चिंत भाव से भरत जी नंदीग्राम में गुरु आज्ञा लेकर साभर धरती खोद कर उसमें भजन पूर्वक विश्राम करते हैं, तप में रहते हैं। मुनियों के मन को भी अगम जो व्रत है वो भरत जी ने स्वीकार कर लिया। कौन कर सकता जिससे भगवान कह दे, तब उसी के बस का है। करिए सुनिश्चल भाव से, न कर सके वो न करिए, जो कर सके वही करें हम, और जो न बने वो कदापि न करें। बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सी राम पद पे अवश्य हो भव। नियम पूर्वक जो भैया भरत जी के इस अमृतमय चरित्र को सुनेगा, सादर सुनेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीत को दृढ़ता प्राप्त होगी और संसार के सुख से विरक्ति हो जाएगी। भवरस विरति संभव है क्या? संसार के रस से विरक्ति होना संभव है क्या? हाँ, नियम पूर्वक आप भरत चरित्र को पढ़िए, सुनिए, समझिए, उठाइए, हो जाए। प्रयास करिए कि सात्विक व्यक्ति का स्मरण हो और आध्यात्मिक जीवन अपने जीवन में उतरे। देखकर परिवर्तन न करिए, समझ विचार सोच कर परिवर्तन करिए। देखकर न विद्वता वर्ण करिए, न साधुता वर्ण करिए। जो कर सकते हैं समझ में आए वही करिए, नहीं बने कदापि न करिए। कई लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि कथा सुनेंगे, कथा कराएंगे, कथा में जाएंगे तो साधु बन जाएंगे, साधुआ जाएंगे। अरे, साधु बन के तो कोई साधुआ नहीं रहा है, हैं? सोचिए तो, साधु बना नहीं जाता, हो साधु होता है। साधु कौन? जो सध गया, आहार विहार विचार, जो सधा सो साधु। हमारे अनेक श्रोता साधु हैं। भरत जी साधु हैं, राज सत्ता सामने खड़ी है, लेकिन भरत जी राज सत्ता नहीं स्वीकार किए, राम सत्ता स्वीकार किए। ये साधु है। त्रिवेणी जी को कहना पड़ा, तात भरत तुम सब विधि साधु, मन से वाणी से कर्म से साधु है। साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ नहीं जाता, साधु होता है। सज्जनता ओढ़ी नहीं जाती, सज्जनता होती है। यही ना कथा है, यदि हो सकती थी तो कैसे कहते प्रभु, भूले हु संगत करी न काऊ। भक्त प्रवर विभीषण जी लंका नगरी में रहकर और भगवान का दिव्य मंदिर बनाकर, ठाकुर द्वारी बनाकर और राम राम जप रहे हैं। अर्थात
जहां राम स्मरण नहीं, राम नाम लेना भी अपराध की श्रेणी में है, उस लंका नगरी में विभीषण जी सब कर रहे हैं जो भगत करता है। नव तुलसी का वृंद तह देखी अरस कबीराय, राम आयुध अंकित गृह आदि आदि। ऐसन हट करी हो पहचानी साधु ते हो इन कारज। साधु कौन? जो किसी का बुरा न करे सो साधु। साधु का न इससे लेना देना है, न इससे लेना देना है। साधु का वस्त्र नहीं है, साधु का जीवन है। आपका जीवन, अरे अनेक लोगों को आप देखेंगे। हमारे गुरु जी हैं, कानपुर में रहते हैं, रिजर्व बैंक में कैशियर थे। मैं पढ़ता था तब उनके यहां में पढ़ने जाया करता था। रिजर्व बैंक की नौकरी, आलीशान नौकरी, एक पैंट एक शर्ट रखते थे, मानस का पारायण, अरे मोहल्ला पूरा जुट जाता था। 50 रुपए के कक्ष में रहते थे वो। आज भी मिलने जाते हैं, मुस्कुराते हैं, सत्संग होता है, दर्शन करता हूँ, चला आता हूँ। एक धोती एक कुर्ता, बस साधुता, जीवन भर साधुता में बीत गया। विद्यार्थी जो कमजोर होता था, बिना पैसे के पढ़ाते थे, इंटर तक वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाते थे, एक कक्ष में रहते थे। अभी भी हैं साधु। मैंने कहा गुरुदेव आपको अन्यथा नहीं लगता? अब बीत गया प्रेम जी, क्या अन्यथा, आनंद हो रहा है। मानस कंठ में है, दुर्गा सप्ती कंठ में है, क्या जीवन, तपस्वी का जीवन, कोई आडंबर नहीं। मैंने कहा एसी लगवा दो। अरे जीवन भर कूलर में रहे, यही ठीक है, कोई अर्थ नहीं। दर्शन तो करो, श्री अवध पधारो, कोई कह रहा था संतों के दर्शन करना, अवध पधारो और समय लेके आओ संतों का दिव्य दर्शन के लिए अयोध्या जी में। अरे साहब रहे तब आइएगा। अवध ऐसे थोड़ी है, अवध में आज भी महापुरुष हैं, तपस्वी महापुरुष हैं, जो ढाई बजे से भगवान के नाम में रम जाते। दर्शन दुर्लभ है हो, तपस्वी नहीं। न वृंदावन में कमी है, न काशी में, न प्रयाग में, न चित्रकूट में, न श्री अवध में। आप दर्शन तो करो, केवल पाथर दर्शन नहीं करो। हमारे स्वयं के अपने श्री रामल्लभा कुंज में सैकड़ों महापुरुष सुबह शाम लगे रहते हैं, दर्शन करो। तो हम और आप ये जो चल रहे हैं, इन महापुरुषों के, इन महात्माओं की तपस्या का परिणाम है। चल रहे हैं, बीतराग हो जाइएगा सुनकर, कितनी सुधीरता है। कथा अरण्य में प्रवेश करती है। प्रभु ने मेरी मां का सुंदर श्रृंगार किया, कहां, चित्रकूट में। ये रास भाव है, भगवान ने मां का नक्षिक सुबक पुष्पों से श्रृंगार किया, देवलोक देखने आया। जयंत ने आकर मां के चरण में चोंच मार दिया, भगवान ने रक्त बहते जाना, धनुष का सिख का धनुष बनाया, उस पर एक बाण सिख का छोड़ दिया, प्रेरित मंत्र ब्रह्म धावा चला बाज, 22 भय पावा, धर निज रूप गयउ पितुपाही, राम विमुख राखा देही। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न। देखिए जीवन में जीव का विरोध न माने तो भले करिए, कभी भगवान से विरोध न करिए, नहीं तो भगवान कुछ करते नहीं और प्रकृति बैठने देती नहीं। कभी भी